नमस्कार, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, क्योंकि फाइबर सारी बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, सभी तरह के हार्ट रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए फाइबर को काफ़ी अच्छा माना गया है। इसीलिए हम पेशेंट को जब बोल देते हैं कि भाई फाइबर वाली चीज़ें खा लेना, पेशेंट हो जाता है कंफ्यूज कि फाइबर किस में आता है, कौन कौन सी चीज़ों में है फाइबर, आप वो भी बता दीजिए। तो आज हम डिस्कस उन्हीं चीज़ों पर करेंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले दालें और लेग्यूम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे कि बीन्स है, राजमा है, काबुली चना है, अलग अलग तरह के दाल और चने जो है, मटर है, ये सब चीज़ों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, क्विनवा, बार्ली, ये सब चीज़ों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, जिसका भी ऊपर का हस्क या ऊपर का फाइबर कंटेनिंग जो कोटिंग होता है वो नहीं हटाया जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स में जैसे कि मैदा है या पॉलिश राइस है, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, तो इनके हेल्थ के लिए बुरा मानते हैं। फलों में भी फाइबर अच्छा होता है, खासकर सेब, पियर्स, पेरीज, ऑरेंजेस, केले और एवोकाडो में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। साग सब्जियों में ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, पालक, गाजर, शकरकंद, केल, हाथीचाक, ये सब में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। गाजर, मूली या पत्ता गोभी, ये सारे सैलड्स वगैरह में भी जो इस्तेमाल करने वाले सब्जियां हैं, इसमें भी फाइबर अच्छा होता है। नट्स और सीड्स में भी, जैसे कि बादाम, शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, एप्रिकॉट्स, प्रूनस, ये सब में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स और ब्रेड्स में भी, जिसमें फाइबर नहीं हटाया गया, वो अच्छा माना जाता है। साइलियम हस्क को काफ़ी लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इसको भी सिर्फ फाइबर कंटेंट के लिए भी लिया जा सकता है। शिया सीड्स, इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं, स्मूदीज वगैरह में या ओटमील में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। ब्रसल्स स्प्राउट्स एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल ग्रुप में आता है, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। मटर यानी हरी मटर में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, अगर फाइबर का आपको रिक्वायरमेंट है और इसमें दोनों सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों होता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मटर को आप खा सकते हैं। एयर फ्राई किया हुआ पॉपकॉर्न भी फाइबर अच्छा होता है उसमें, हाँ अगर ऑयल के साथ आप उसको फ्राई करेंगे, तेल के साथ करेंगे, जो कि ज़्यादातर केस में होता है, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और वो फायदे के बदले नुकसान करने लगता है। पर अगर आप इसको एयर फ्राई करके खाएंगे पॉपकॉर्न को, तो उसमें भी फाइबर अच्छा मिलेगा। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, रेगुलर आलू के कंपैरिजन में शकरकंद में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलू के कंपैरिजन में कम होता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पियर्स में भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, कीवी जो कि एक चाइनीज फ्रूट है, इसमें भी फाइबर कंटेंट और विटामिन सी अच्छा होता है। प्रूनस या ड्राइड प्लम्स, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। हाथीचाक यानी कि आर्टिचोक, इसका भी फाइबर कंटेंट अच्छा है, इसको सैलड्स और पास्ता वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह की बेरीज, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, इनमें भी फाइबर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट तत्व अच्छे होते हैं। इसके अलावा सीड्स में फ्लैक्स सीड्स, इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इसको भी आप स्मूदीज के लिए, बेक्ड प्रोडक्ट्स के लिए, दही वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी साग सब्जी, लेग्यूम प्रोडक्ट्स, दालें हैं, मटर है, ये सब में फाइबर अच्छा होता है। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनवा, बार्ली, ये सब में भी अच्छा होता है। फ्रूट्स में अच्छा होता है, खासकर एप्पल, पियर्स, केले, संतरे, एवोकाडो, ये सब में अच्छा होता है। इसके अलावा नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि खासकर किशमिश, एप्रिकॉट्स, सीड्स में बादाम, शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इसमें ज़्यादा होता है। साइलियम हस्क में ज़्यादा होता है, होल ग्रेन से बने हुए ब्रेड्स और सीरियल्स में अच्छा होता है। शकरकंद, पियर्स, कीवी, आर्टिचोक, अलग अलग तरह के बेरीज, ये सब में आपको फाइबर कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो यदि आपको फाइबर की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करिए, खासकर फलों और सब्जियों को, दालों को, मटर को या
बीन्स को, ये सबको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो फाइबर कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। अलग अलग तरह की आपकी बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, फैट रिलेटेड प्रॉब्लम, वजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में फाइबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कौन कौन सी चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है उस बारे में आपको जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा लोगों की मदद कर सके।